नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके क्यूज बकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 19 सितंबर 2019 के करंट अफेयर्स, जो कि आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये कि 20वें आईफा पुरस्कार समारोह की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। दोस्तों वो करेगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार के इतिहास में पहली बार इसे भारत में आयोजित किया जाना है और 18 सितंबर 2019 को मुंबई 20वें आईफा पुरस्कार समारोह की मेज़बानी करेगा और 2000 में शुरू होने के बाद इस कार्यक्रम को दुनिया भर के देशों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लंदन, टोरंटो, सिंगापुर सहित पिछले मेज़बान शहरों और सबसे हाल ही में बैंकॉक शामिल है। ये आप याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विदेश में किसी भी भारतीय मिशन में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिका कौन बन गई है। दोस्तों याद रखिएगा, वो बन गई है ऑप्शन नंबर, ये जो है वो एकमात्र विदेश में किसी भी भारत मिशन में तैनात एकमात्र महिला हैं जो सैन्य राजनयिका बन गई हैं। उनका नाम है दोस्तों अंजलि सिंह। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये विंग कमांडर अंजलि सिंह विदेश में किसी भी भारतीय मिशन में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिका बन गई है। सिंह रूस में भारतीय दूतावास में डिप्टी एयर अटैच के रूप में शामिल हुई हैं। सिंह जो MiG-29 लड़ाकू विमान से प्रशिक्षित है 10 दिसंबर 2019 को अपने नए कार्यभार में शामिल होगी। एयर अटैच एक वायुसेना अधिकारी होता है जो एक राजनीतिक मिशन का हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2019 में भारत के समित नागल के नवीनतम ATP रैंकिंग के 15 स्थानों की छलांग लगाते हुए करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। दोस्तों याद रखिएगा, वो है 159। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के समित नागल 16 सितंबर 2019 को जारी नवीनतम ATP रैंकिंग में 15वें स्थान की छलांग लगाते हुए करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 159 हासिल की है। वे अगस्त 2019 में US ओपन में पहले राउंड की उपस्थिति के बाद बंजा लुका ATP चैलेंजर में उपविजेता के स्थान पर रहे। इसके बाद प्रजनेश गुणेश्वरन ने शीर्ष 100 में अपना स्थान निरंतर रखा, वे तीन स्थानों की छलांग लगाते हुए दुनिया की संख्या में 82 नंबर पर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2019 में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों उनका नाम है शेख हसीना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बांग्लादेश की PM है शेख हसीना को 16 सितंबर 2019 को ढाका में डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में स्थापित किया जाएगा। पुरस्कार प्रशस्ति पत्र में तनाव, संघर्षों और आतंकवाद से मुक्त एक शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया के अपने दृष्टिकोण के लिए प्रधानमंत्री हसीना की सराहना की है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी फिल्म 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ 100 फिल्मों की द गार्जियन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। दोस्तों उसका नाम है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। फिल्म निर्माता थे अनुराग कश्यप। पूछा सकता है आप एग्जाम्स में कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 21वीं सदी की 100 फिल्मों में इसकी दर्जार्जन सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म बन गई है। फिल्म ने 59वां स्थान हासिल किया है, यह आप याद रखिएगा। और गैंग्स ऑफ वासेपुर श्रृंखला की 2 फिल्में 2012 में रिलीज हुई थी और इसमें झारखंड के धनबाद और जिले के वासेपुर शहर की एक कोयला माफिया के परिवार की गाथा सुनाई गई है। ठीक है दोस्तों, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजन परत 2019 के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है। दोस्तों वो है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 32 ईयर्स ऑफ हीलिंग। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। यह 16 सितंबर को आयोजित ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है।
के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन परत गैस एक नाजुक आवरण जो सूर्य के किरणों के हानिकारक हिस्सों से पृथ्वी की रक्षा करती है और इस तरह ग्रह पर जीवन के संरक्षित करने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, 2019 के इसका विषय था 32 ईयर और हीलिंग। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली 16 सितंबर 2019 को दुबई में जारी बल्लेबाजों की ICC टेस्ट रैंकिंग में किस स्थान पर रहे हैं। दोस्तों वो याद रखिएगा, वो रहे हैं दूसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली 16 सितंबर 2019 को दुबई में जारी बल्लेबाजों की ICC टेस्ट रैंकिंग में अपने दूसरे स्थान पर बने रहे हैं। 903 रेटिंग अंकों के साथ कोहली ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ के से 34 अंक पीछे हैं, जो 937 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं स्मिथ। ठीक है दोस्तों, स्मिथ के हमवतन पैट कमिंग्स ने भी ICC टेस्ट गेंदबाज की रैंकिंग में अपना नंबर एक का स्थान बरकरार रखा है, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कोडेला शिव प्रसाद राव का निधन हो गया है, वे किस राज्य के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। दोस्तों याद रखिएगा, वो थे ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ये आप याद रखिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर कोडेला शिव प्रसाद राव का सितंबर 2019 में निधन हो गया है। वे तेलुगु देशम पार्टी TDP के सबसे वरिष्ठ नेता में से एक थे। गुंटूर जिले के नरसरावपेट निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार के विधायक कोडेला 1983 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए थे। 2014 में AP के द्विभाजन के बाद उन्हें विधानसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, यह आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी, हम कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पहला आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से अपना दोस्तों के शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वेल एग्जाम्स के आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।